आज बिलासपुर में हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारियों का आंदोलन पांचवें दिन में प्रवेश कर रहा है। हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारी पीसमिल वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर एचआरटीसी प्रबंधन के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पीसमिल वर्कर यूनियन के सचिव बिशप सिंह ने एचआरटीसी यूनियन में आरोप लगाया कि पीसमिल वर्कर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर दुख की बात है कि इतना लंबा अरसा बीत जाने के उपरांत भी उनसे वार्ता करना एचआरटीसी प्रबंधन या प्रशासन ने उचित नहीं समझा, जो कि चिंता का विषय है। पीसमिल वर्करों का भविष्य अंधकार में है। सरकार को शीघ्र उनकी अधिकार पूर्ण मांगों को मनवाने के प्रति शीघ्र एचआरटीसी प्रबंधन पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे वे पीसमिल वर्कर तन मन से एचआरटीसी में अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लंगर भवन और मंदिर ट्रस्ट की मिठाई की दुकान से गैस टैंक को हटा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी भी समय मंदिर के आसपास एक बड़ी आगजनी घटना हो सकती है। माता श्री नैना देवी के लंगर भवन के समीप गैस टैंक बनाया गया है, जिसमें हर समय 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर विद्यमान रहते हैं, जो कि मंदिर के समीप इतने बड़े मात्रा में सिलेंडरों का रखना बहुत ही खतरनाक है और इस गैस बैंक को वहां से हटाकर लगभग 2 किलोमीटर दूर बनाया जाना चाहिए, ताकि मंदिर के समीप किसी बड़ी आगजनी घटना का संभावना ना रहे। इसके अलावा मंदिर न्यास के मिठाई की दुकान में भी लगभग 22 गैस सिलेंडरों का स्टोर है, ये भी मंदिर के बिल्कुल समीप है, इससे भी मंदिर के समीप बड़ी आगजनी की घटना हो सकती है। ये जानकारी प्रभारी फायर स्टेशन बिलासपुर सुभाष मिश्रा ने आगामी श्रावण अष्टमी मेले के दृष्टिगत श्री नैना देवी में आगजनी इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। सुभाष मिश्रा ने कहा कि गैस बैंक को मंदिर के समीप से हटकर दूर स्टोरेज बनाना चाहिए और जितनी भी जरूरत हो उतने ही सिलेंडर प्रयोग करने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आगजनी की घटना मंदिर के समीप ना हो। सुभाष मिश्रा ने कहा कि उन्होंने श्रावण अष्टमी मेले के दृष्टिगत दुकानदारों और स्थानीय लोगों पुजारियों को आगजनी घटनाओं के बचाव के बारे में जानकारी भी दी और जो आगजनी की घटनाओं के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं इनकी चेकिंग भी की। उन्होंने बताया कि ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट सही पाए गए हैं। इस मौके पर उनके साथ चौकी प्रभारी फायर नैना देवी राजकुमार और चौकी सह प्रभारी सुरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। देवभूमि हिमाचल में वैसे तो चमत्कार होते ही रहते हैं और कई देवता और देवियों के होने के प्रमाण भी यहां पर मिलते हैं। ऐसा ही एक वाक्य जुड़ा है भगवान श्री राम से। ज्वालामुखी में भगवान श्री राम के युग के राम सेतु पत्थर मिले हैं। राम सेतु के पत्थरों का वर्णन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मिलता है और इसी वजह से इन्हें देखने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। ज्वालामुखी के वार्ड नंबर के निवासी अशोक कुमार के हाथ ये अलौकिक सौगात लगी है। अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन में खुदाई का काम लगा रखा था। जमीन को खोदते समय 1 घंटे के अंदर 2 पत्थर उनके मजदूरों के हाथ लगे। पहले तो उन्होंने इसे सामान्य पत्थर समझकर किनारे पर फेंक दिया। जब उन्होंने दूसरे दिन इन पत्थरों को देखा तो अलग ही अनुभूति का एहसास हुआ। वैसे देखने में ये पत्थर सामान्य आकार के लग रहे थे, फिर भी वे इन पत्थरों को अपने साथ घर ले आए। वह किसी जानने वाले पंडित से इनकी जांच करवाई तो पता चला कि ये पत्थर राम सेतु वाले पत्थर हैं। अशोक कुमार ने इन पत्थरों का वजन लगभग 6 किलो बताया। इन पत्थरों को अशोक के परिवार ने अपने पूजा स्थान पर एक पानी के भरे बर्तन में डालकर रख दिया है। अशोक का परिवार व
ग्रामीण इसे भगवान राम का आशीर्वाद मानकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। भौगोलिक तर्कों से हटकर गांव वाले व अशोक का परिवार इन पत्थरों को राम सेतु का हिस्सा मान रहे हैं। फिलहाल बात कुछ भी हो, यहां पत्थरों के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। राम सेतु, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडेंस ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के सातवें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार श्री राम की बानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस पुल को बनाने वाले जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वे पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबते बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया था, तब श्री राम ने बानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाया था। कहते हैं कि ये विशाल पुल बानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। कहते हैं कि निर्माण पूर्ण होने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी।